अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम वर्क के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट मैंने टॉपिक जो आपको पढ़ाया था वर्क के हवाले से, तो हमने कहा कि जी वर्क जो है वो ज़ीरो होता है कि अगर एक बॉडी जो है वो इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हम दो बातें पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन हम पढ़ते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या ये दोनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए वर्क जीरो है? हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर सेटिस्फाई होगी तो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या बॉडी जो है वो मूव करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब सारी फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो, जीरो के इक्वल। तो ये है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम देखते हैं कि व्हेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, वर्क इज सेट टू बी डन विच इज इक्वल टू जीरो। वर्क जीरो वर्क होगा। तो हम यहां पे देखेंगे कि when first condition of equilibrium is satisfied work बेटा क्या होगा? जीरो, बिकॉज सम ऑफ फोर्सेस जीरो, यानी कि हम यूं लिख सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो के बराबर, तो मतलब वर्क क्या होगा? जीरो। और जब हम कहें कि जी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी तो फिर हम कहते हैं कि जी सम ऑफ ऑल टॉर्क्स जो है वो जीरो होता है। व्हेन सेकंड कंडीशन, ये आपको बेटा एमसीक्यूज बता रहा हूं, व्हेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हम कहते हैं जी सम ऑफ ऑल टॉर्क्स जो है वो जीरो के बराबर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इस केस में भी क्या वर्क जीरो होगा? यानी कि जब हम कहते हैं नेट टॉर्क इज जीरो, तो अब वर्क किसके बराबर? यहां पे अगर मैं बात करूं रोटेशनल मोशन में, वर्क का रिलेशन क्या होगा? टॉ थीटा, बिकॉज टॉर्क जो है रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन। थीटा बेटा क्या है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी कि ये रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में वर्क किसके बराबर होगा? टॉ थीटा के बराबर। तो नेट टॉर्क जीरो, तो यहाँ पे भी वर्क क्या होगा बेटा? जीरो के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन बोथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड, इन बोथ केसेस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। जी, तो हमने यहाँ पे वर्क के हवाले से पढ़ा था, एक रिलेशन हमने, मैथमेटिकल रिलेशन हमने पढ़ा है। तो सिंपली वर्क किसके बराबर है बेटा? एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो ज़रा मैं यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री पुट करता हूँ, वर्क कितना होता है? मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होता है कॉज ऑफ जीरो, आंसर क्या देता है? वर्क के इक्वल। तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क है। तो यहाँ पे अगर मैं वर्क मैक्सिमम को एफ डी पुट कर दूँ, एफ डी को रिप्लेस कर दूँ वर्क मैक्सिमम से इस रिलेशन में, तो आप देखोगे वर्क किसके बराबर आ जाएगा? वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम कॉज ऑफ थीटा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमने इस तरह के क्वेश्चन स्टार के टॉपिक में भी किए थे ये, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जी एक क्वेश्चन जैसे यहाँ से वो पूछ सकता है कि एट व्हाट एंगल थीटा वर्क जो है हाफ ऑफ द वर्क मैक्सिमम। भाई किस एंगल पे वर्क डन जो है वो वर्क मैक्सिमम का हाफ होगा? तो यहाँ पे अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊँ, पहला ऑप्शन अगर मैं देखूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, चार्ली में 60 डिग्री और डेल्टा में 75 डिग्री, तो ज़रा आप देखेंगे कि वर्क जो है वो 60 डिग्री एंगल पे वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वर्क, या 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके सोल्यूशन में हमने ये रिलेशन पढ़ा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ज़रा देखें। वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे अगर मैंने कंडीशन दी है कि वर्क डन किसके बराबर है? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वर्क, तो आप पुट कर दें इसी में, वर्क की जगह क्या पुट करेंगे? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो देखो बेटा, ये वर्क मैक्सिमम से कैंसिल, और हम लिख सकते हैं साइड एंड चेंज कर दें, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2।
जबकि थीटा किसके बराबर बेटा, हम कहेंगे कॉज इनवर्स 1/2। आंसर हमें क्या मिलेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, 60 डिग्री। तो यूँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ भी जैसे क्वेश्चन यूँ भी पूछ सकते हैं आपसे, एक दूसरा एमसीक्यू देखें कि वो कहते हैं कि जी एक बॉडी जिस पे फोर्स लगी 10 न्यूटन की और उस फोर्स ने बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया कितना, 5 मीटर का, ऐसा करने में वर्क जो है वो कितना लग रहा है बेटा, 25 जूल जो है वो वर्क प्रोड्यूस हुआ। तो हम देखते हैं कि वर्क जो है वो तो एफ डी के प्रोडक्ट के इक्वल है, 50 न्यूटन मीटर होना चाहिए, 50 जूल वर्क होना चाहिए, लेकिन वर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 25 जूल। तो इसका मतलब क्या है भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल थीटा जीरो नहीं है, अदरवाइज क्या होता, एंगल थीटा जीरो होता तो आंसर क्या मिलता हमें, 50 जूल। तो वही एंगल ये पूछना चाह रहे हैं। तो ज़रा देखें, इसमें हमारे पास ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, वही सेम ऑप्शन यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 45 डिग्री, चार्ली जो है वो 60 डिग्री, डेल्टा जो है वो 75 डिग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो हमें अगेन 60 डिग्री मिलेगा। तो ज़रा देखें भाई किस तरह से, तो हमने कहा कि वर्क जो है किसके बराबर, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अभी यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, थीटा एंगल मालूम करना है। वर्क बेटा कितना है, 25 जूल, और एफ और डी का प्रोडक्ट देखें तो 10 × (displacement)5, साथ में क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं कॉज ऑफ थीटा की बात करूँ तो कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर, 10 × (5), 50 50 इधर आके डिवाइड करेगा तो आप लिखोगे 25 जूल / 50 जूल। तो इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, 1/2। और हम जानते हैं कि जब कॉज ऑफ थीटा 1/2 होगा तो थीटा किसके बराबर होगा, 60 डिग्री। तो इस टाइप के भी वो क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। अब ज़रा हम देखते हैं कि जी कुछ इसके ग्राफ हम डिस्कस करते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स वर्क के लिए। ग्राफ्स में हम पढ़ेंगे कि जी कौन सा ग्राफ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क के लिए कौन सा ग्राफ जो है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, चार ग्राफ बनाऊंगा। अल्फा ऑप्शन जरा देखें, एक ग्राफ बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इस तरह से, दूसरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस तरह से, तीसरा ग्राफ देखें भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो इस तरह से है, और डेल्टा ऑप्शन की बात करूं एक और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहां पे मैं बनाऊंगा वो क्या है जी इस तरह से। अगर आप यहां पे देखें जी पॉजिटिव वर्क के लिए कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो यहां पे हम देखेंगे तो ये हमारे पास जो ऑप्शन क्या है, डेल्टा ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव वर्क को प्रेजेंट कर रही है। ग्राफ कैसे जरा देखते हैं हम बेटा, ग्राफ ए को अगर इसका सॉल्यूशन में देखूं तो ग्राफ ए जो है, पहला ग्राफ जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है आपको, वेलोसिटी। तो यहां पे अगर हम कहें कि इसकी स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ग्राफ ए में स्लोप जो है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप जो है ये बेटा क्या है, कांस्टेंट, और इसकी स्लोप आपको क्या देती है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी एफ नेट क्या होगा, जीरो के बराबर, तो इसका मतलब क्या है, वर्क जीरो। तो पहला ग्राफ बेटा क्या है, जीरो वर्क का ग्राफ है। बीटा अगर ऑप्शन में देखता हूं तो यहां पे भी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में चेंज नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका अगेन एफ नेट अगर हम देखें वो जीरो होगा, वर्क भी क्या होगा, जीरो। तो फोर्स ही नहीं लग रही, नेट फोर्स ही जीरो है एक बॉडी पे, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है और वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। और अगर हम बात करें कि जी इस चार्ली ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप डिक्रीजिंग है, अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। तो अगर इसका मतलब अगर हम कहेंगे जी वेलोसिटी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, इस केस में हम वर्क क्या कहेंगे, वर्क नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वर्क हमेशा बॉडी को क्या करती है, स्पीड अप करती है, उसकी वेलोसिटी को हमेशा बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे
जो हमारे पास ग्राफ नंबर थ्री है चार्ली ऑप्शन में, यहाँ पे स्लोप क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो स्लोप डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग स्लोप के लिए हम कहेंगे एक्चुअली वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, और वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो मतलब क्या है, बॉडी जो है वो स्लोज डाउन हो रही है, स्लो डाउन। तो इसका मतलब वर्क इस केस में क्या होगा, नेगेटिव। जबकि डेल्टा ऑप्शन में आप देखते हैं कि जी डेल्टा ऑप्शन की बात करें तो ग्राफ नंबर फोर में स्लोप जो है, स्लोप डीटी ग्राफ की स्लोप जी बेटा इंक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और पॉजिटिव वर्क हमेशा क्या करेगा, बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ाएगा या उसको स्पीड अप करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब बॉडी स्पीड्स अप हो रही है, स्पीड अप हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वर्क यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये जो है ये हम बता रहे हैं पॉजिटिव वर्क, और ये वर्क जीरो वर्क, ये भी क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट जीरो वर्क, ये क्या है बेटा नेगेटिव वर्क, और ये क्या है पॉजिटिव वर्क। तो इस तरह से ये ऑप्शंस बनते हैं। अब हम ज़रा देखते हैं कि जी ग्राफिकली हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड में हम देखेंगे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, एक वेरिएबल फोर्स है, दूसरा वेरिएबल क्या है डिस्प्लेसमेंट, उस ग्राफ से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास बेटा क्या है, फोर्स वाई एक्सिस पे हमारे पास फोर्स है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट फोर्स, यानी कि अगर हम देखें जी यहाँ पे बॉडी पे लग रही है कांस्टेंट फोर्स, उसमें बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस इस तरह से। तो हम देखते हैं कि जी ग्राफ, इस ग्राफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ एफ डी ग्राफ, तो एफ डी ग्राफ यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा बेटा, वर्क डन देगा, वर्क डन बाय, वर्क डन देगा आपको, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसमें हमारे पास अगर हम कहेंगे जी ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, और विड्थ क्या है अगर फोर्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा एफ डी, एफ डी किसके बराबर, वर्क के बराबर। तो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको क्या देगा, वर्क डन। तो यहाँ पे अगर हम एरिया मालूम करेंगे तो बेटा इस ग्राफ का एरिया क्या मिलेगा एफ डी, और एफ डी तो आपको पता ही है वर्क डन ही होता है। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया मालूम करने से वर्क मिलता है। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने यूं आ जाए, ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है, जरा मैं आपको बताता हूँ कि एक साइड पे हमारे पास वाई एक्सिस पे फोर्स है और एक्स एक्सिस पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ के ग्राफ कुछ यूं है, ये हमारे पास ग्राफ इस तरह से। तो अगर हम ये देखें, ये हमारे पास बेटा क्या है 5 मीटर, ये क्या होगा 25, और इसको हम क्या कहेंगे 35 का ये पॉइंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो हमें इसको 5 की बजाय 10 पुट कर देता हूँ, और फोर्स जो है इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो कितनी लग रही है, फोर्स जो है ऑब्वियसली उसके यूनिट न्यूटन है, तो 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन करता है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इस ग्राफ की मदद से वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स मालूम करें। एक ऑप्शन जो है वो देखें भाई, इसमें 25 जाउल या न्यूटन मीटर, 50 न्यूटन मीटर या जाउल, 150 जाउल की बात कर रहा है या फिर 250 जाउल की बात कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखते हैं। देखिए बेटा कांस्टेंट फोर्स के लिए इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है कांस्टेंट, बाकी में ये फोर्स जो है इंक्रीजिंग है, ये फोर्स क्या है डिक्रीजिंग है। तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए,
कांस्टेंट फोर्स का वर्क ये एरिया हमें बताएगा। ये मैंने आपको जो शेडेड एरिया दिया है ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क है। तो अगर आप इसको यहाँ पे इसका ऑप्शन बनाएंगे तो वो कितना मिलेगा 150 जूल। कैसे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो ये कांस्टेंट वर्क नहीं है बल्कि हम सिंपली बात करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स किसके बराबर। बेटा ये एरिया मालूम कर लो, एरिया क्या है 25 - 10 = 15 मीटर में, जबकि ये वाली साइड मालूम करोगे तो वो कितनी है हमारे पास 10 न्यूटन की। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मिल गया। तो कितना मिलेगा आंसर 150 न्यूटन मीटर या जाऊ। तो ये कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क कितना है बेटा 150 जाऊ। लेकिन अगर वो कहता कि टोटल वर्क मालूम करें तो फिर हमें ये वाला एरिया भी मालूम करना पड़ता, ये वाला भी एरिया मालूम करना पड़ता। तो इसका एरिया मालूम करोगे तो 1/2 राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इनटू हाइट, 10 × 10 100 का हाफ कितना होगा 50। तो वर्क टोटल के लिए आप देखोगे, मैं यहाँ पे एक साइड पे करता हूँ कि जी टोटल वर्क के लिए तीन एरियाज हैं, पहला राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा एरिया फिर राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए बेटा 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कितनी है 10, हाइट भी कितनी है 10, 10 × 10 100 का हाफ कितना होगा 50 जाओ। और ये तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, A2 रेक्टेंगल का एरिया 150 और A3 भी कैसा होगा 35 - 25 10, और 10 को जब इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 का हाफ अगेन क्या मिलेगा 50 जाओ। तो फिर ये कितना मिल जाएगा 50 + 50 100 + 150 250 जाओ। इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा ऑप्शन है वो आपको टोटल वर्क देगा लेकिन वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या देगा आपको 150 जाऊ। इस तरह से ग्राफिकली क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं ग्राफिकली क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि जी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इस तरह से है, एक सर्कल है, एक सर्कल में हम कहते हैं कि जी आम तौर पे ये स्टूडेंट से अगर मैं यहाँ पे वर्क डन की बात करूँ तो वो बात करते हैं कि जीरो वर्क, ये जीरो वर्क नहीं है। हम सिंपली फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया मालूम करेंगे, ये कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ग्राफ है, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एक सर्कल है, कोई सर्कुलर पाथ नहीं है जिसमें बॉडी मूव कर रही है। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का ग्राफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम एरिया मालूम करेंगे तो जैसे सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया क्या है πr², तो यहाँ पे वो कोई भी वैल्यू दे दे आप इसका एरिया मालूम कर लोगे एक्चुअली क्या है ये वर्क डन है। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस और भी बहुत सारे बन सकते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क भी कैलकुलेट किया जा सकता है, टोटल वर्क भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मज़ीद मैं आपको प्रैक्टिस MCQs में भी वर्क डन ग्राफिकल मेथड वर्क डन के लिए आपको क्वेश्चंस और भी यहाँ पे दूंगा, और भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस MCQs जो हैं वो इस टॉपिक से हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे एनर्जी और पावर के साथ। थैंक यू वेरी मच।